और चलिए बात अब खेल जगत की बड़ी खबर की करेंगे। आज क्लीन शहर में क्लीन स्वीप करने के इरादे से भारतीय टीम होलकर मैदान में उतरेगी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबला खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे इस स्टेडियम में मैच होगा और आपको बता दें कि टीम इंडिया अगर आज जीतती है तो वनडे में इसी के साथ नंबर 1 का ताज पहनेगी। न्यूजीलैंड को तीसरी बार क्लीन स्वीप करने का मौका मिलेगा। 3 मैचों की सीरीज जिस पर 2-0 से पहले ही टीम इंडिया बढ़त बनाए हुए है। सीरीज तो अपने नाम है ही, लेकिन इरादा है क्लीन स्वीप करने का। फिलहाल खबर यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस मैच से रेस्ट ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रजत पाटीदार को भी आज टीम में खेलने का मौका मिल सकता है। तो आज यदि जीती तो वनडे में नंबर 1 का खिताब जीतेगी और कीवियों को तीसरी बार क्लीन स्वीप करने का मौका भी आज टीम इंडिया के पास है। चलिए कितना एक्साइटमेंट है तमाम क्रिकेट फैंस में और किस तरह की तैयारियां, सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस वक्त पीयूष पारे लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, आज बड़ा मौका है भारतीय टीम के पास, लेकिन क्योंकि सबसे स्वच्छ शहर में टीम इंडिया आज मौजूद है तो जाहिर तौर पर क्लीन स्वीप करने का मौका भी है। साथ ही आपके पीछे में देख रही हूं तमाम जो फैंस है काफी एक्साइटेड है, बात करिए जरा इनसे, कितना एक्साइटमेंट आज के मैच को लेकर, नंबर 1 के लिए पूरी तरह से तैयार? देखिए बिल्कुल टीम इंडिया तैयार है नंबर 1 बनने के लिए और खास तौर पर आज का मौका ही ऐसा है और वही मौका है आज देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, जहां पर टीम इंडिया का मुकाबला होने जा रहा है न्यूजीलैंड से। हालांकि टीम इंडिया के हौसले बुलंद है, 2-0 से टीम इंडिया सीरीज में आगे है, लेकिन क्लीन स्वीप करेगी देश के सबसे क्लीन शहर इंदौर में टीम इंडिया, यही उम्मीद लेकर आज क्रिकेट के फैंस पहुंच रहे हैं होलकर स्टेडियम। और आप तस्वीरें देखें किस तरीके से यहां पर तमाम जो फैंस हैं आज पूरे रोमांच के साथ में, कहीं ना कहीं आपको पूरे उत्साह के साथ में नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ जो है यंगस्टर्स बल्कि बच्चों में भी आप देख सकते हैं कि क्रिकेट का जुनून कहीं ना कहीं सर चढ़कर बोल रहा है। और इंदौर यहाँ के तो क्या कहने हैं, जब जब यहाँ पर इस तरीके के आयोजन होते हैं तो अलग ही माहौल होते हैं। चलिए बात करेंगे, सर कौन लगाएगा आज सिक्सर और किसका चलेगा बल्ला, क्या दिख रहा है होलकर में, किसका दिखेगा दम? सर होलकर स्टेडियम में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ रोहित शर्मा का बल्ला, पिछले लास्ट टाइम भी श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार भी रोहित शर्मा शतक लगाएंगे यहाँ पर पे। और आज अगर टीम इंडिया जीतती है तो ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे आ जाएगी टीम इंडिया, तो आज क्लीन स्वीप करेगी न्यूजीलैंड को। और इंदौर में अभी तक विजयी रही है टीम इंडिया, तो आज भी विजय रहेगी वनडे में, तो रिकॉर्ड बरकरार है अभी तक, वनडे का रिकॉर्ड बरकरार है। लेकिन किस तरीके की लय देख रहे हैं सीरीज में, अब तक तो बल्लेबाजों ने खूब कमाल दिखाया है, वही कमाल दिखेगा? नहीं सर, बल्लेबाजों के साथ साथ हमारे गेंदबाज भी आप देखोगे ना, सारे फास्ट बॉलर बिल्कुल ले में, मोहम्मद सिराज आप देखोगे, समी को देखोगे आप, अपने कुलदीप यादव को देख लीजिए, स्पिन में भी इतना कमाल दिखा रहे हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही टीम इंडिया आज। नजरे किस पर है आज? नजरे सर रजत पाटीदार पे, जो कि लोकल खिलाड़ी है हमारे यहाँ के, आज चाहते हैं कि डेब्यू हो इंदौर में। जरा जानिएगा कि पिछले मैच में तो विराट कोहली जो 25,000 बनाने वाले थे 25,000 से चूक गए, लेकिन आज बड़ा मौका है विराट कोहली के पास, तो फैंस कितने एक्साइटेड है उस मौके को देखने के लिए? देखिए बिल्कुल विराट कोहली के पास बड़ा मौका है आज, किस तरीके से दिख रहे हैं आप, बल्ला चलेगा? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है बहुत शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, होलकर में आज कहीं के दम दिखाएंगे? जी बिल्कुल, विराट का बल्ला चलेगा आज और चाहते हैं कि आज शतक बनाए विराट, शतक बनाए यहाँ पर पे, क्योंकि 2 मैचों में कुछ खासा प्रदर्शन नहीं रहा है, बोल्ड आउट हुए हैं 2 इस सीरीज में, वैसे उनका फॉर्म आया है तब से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो, और हम चाहते हैं कि आज 75 सेंचुरी होलकर स्टेडियम में लगाए विराट। देखिए बहुत एक्साइटमेंट है सर, क्या दिख रहा है आज, तो बहुत जबरदस्त माहौल है इंदौर, तो पूरा क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ है। जी लगातार मैं यहाँ 1996 से मैच देखते हुए आ रहा हूँ और इंडिया हमेशा विजयी रही है और आज फिर मौका है इंडिया और न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया को नंबर 1 बनने के लिए। और मुझे मेरा कहना है कि आज विराट कोहली काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं और आज अपने को एक और शतक देखने को मिलेगा विराट कोहली के बल्ले से। और मिडिल ऑर्डर में आप जैसे जानते हैं इंदौर का छोटा ग्राउंड छक्कों के लिए जाना जाता है, तो हार्दिक पांड्या आज आपको काफी अच्छा प्रदर्शन करते नजर आएंगे अगर वो लोकल खेलते हैं, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ जब T20 हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका था 27 बॉल बाउंड्री के बाहर गई थी, तो आज भी बॉल 56 दुकान पे गिरने वाली है। अरे वाह क्या बात है, 56 दुकान पर गिरेगी बॉल। और एक नन्ही फैन है, क्या नाम है बेटा आपका? एलिजा किस तरीके से दिख रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? रोहित शर्मा है। किस तरीके से देखती है आज, एंजॉयमेंट करेंगी पूरा मैच को? फुल एंजॉय करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कितना एक्साइटमेंट है और होलकर स्टेडियम जिसमें टीम इंडिया का कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड है, अब तक खेले गए एक भी वनडे मैच में टीम इंडिया को हार का सामना नहीं करना पड़ा है और यही रिकॉर्ड कहीं ना कहीं टीम इंडिया को पलड़ा भारी बता रहा है। और
दर्शक तो कह रहे हैं कि आज जमकर चौके छक्के लगेंगे और एक छक्का लगेगा जो 56 पर भी जाएगा। तो ये एक्साइटमेंट है। इंदौर ने जिस तरीके से देखा है तमाम जो मैचेस हुए हैं अब तक वो बहुत बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं हुए हैं और वही मैच आज भी देखने को मिलेगा और भारतीय टीम क्लीन स्वीप जरूर करेगी, ऐसा भी तमाम जो क्रिकेट के फैंस हैं वो उम्मीद जता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पीयूष, होलकर स्टेडियम ही इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत ने कई इतिहास रचे हैं और आज भी एक इतिहास रचने के लिए भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, भारतीय टीम वनडे इतिहास में तीसरी बार कीवियों को क्लीन स्वीप करने के लिए उतरेगी। 13 साल पहले 2010 में गौतम गंभीर की कप्तानी में वो ऐसा कर चुकी है और आज एक बार फिर से वो मौका टीम इंडिया के पास है।